उत्तराखंड के जोशी मठ में भूधसाव के बीच 4000 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि जिन बिल्डिंगों में दरारें और ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें जमींजोत किया जाएगा, जिससे पास की इमारतों को नुकसान न हो। जहां ध्वस्तीकरण का काम मंगलवार से ही शुरू होगा। आपको बता दें कि जोशी मठ के इलाके को 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें खतरनाक, बफर और पूरी तरह से सुरक्षित हिस्सों में रखे गए हैं। इन जोन को मैग्नीट्यूड के आधार पर भूस्खलन के खतरे को देखते हुए बनाया गया है। बताया जा रहा है कि भूधसाव के शिकार जोशी मठ की 600 से ज्यादा इमारतों पर दरारें मिली हैं। इन इमारतों में जो सबसे बुरी तरह प्रभावित होंगी उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। उधर जोशी मठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार जोशी मठ के घरों में दरार पड़ने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि मामले में सुनवाई 16 जनवरी को होगी। साथ ही कोर्ट का कहना है कि जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उसे कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। इस पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं काम कर रही हैं। आपको बता दें कि याचिका स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद की तरफ से दायर की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने बीते दिन इस याचिका को मेंशन करने के लिए कहा था। वकील परमेश्वर नाथ मिश्रा ने जल्द से जल्द मामले में सुनवाई की मांग उठाई थी, जहां याचिका में कहा गया कि जोशी मठ में आज जो भी हो रहा वह खनन, बड़ी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण और उसके लिए किए जा रहे ब्लास्ट के चलते हो रहा है। शहर में लंबे समय से भूधसा हो रहा है, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया जा रहा था।